गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए मैं फिर से एक डिश लेके आई और ये खाने में काफ़ी टेस्टी होती है और कभी कभी हम अपने बच्चों को अलग कुछ बना के दे सकते हैं। तो चलिए गाइस ये कैसे बनाए जाते हैं बोर्ड नेट देख लेते हैं। देखिए मैंने चार आलू लिया है और दो आलू को मैंने इस तरह से पीस लिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट। बहुत आसान है ये डिश। चलिए कढ़ाई को गर्म होने रख दिया है, गर्म हो चुका है ये। थोड़ा हम तेल डालेंगे, इसे हम जीरा डालेंगे और जो अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डालेंगे। इसको हम भून लेंगे। देखिए ये हो चुका है। थोड़ी सी हल्दी, थोड़े से गरम मसाला और नमक डालेंगे हम। इसे भी हम भून लेंगे। जो आलू हमने मैश किया था, चार आलू, वो भी डालेंगे और इसे भी हम डाल देंगे। जो स्टिकी आलू है वो भी हम इसमें डाल देंगे। ये इसमें अमचूरन और धनिया पत्ता भी है वो हम डाल देंगे और इसको हम फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए मेरे पास थोड़े से पनीर है, इसको हम मैश कर लेंगे इस तरीके से। देखिए मैश किया मैंने, इसमें नमक डालेंगे थोड़ा सा, थोड़ा सा हम कॉर्नफ्लोर का आटा भी डालेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही डालेंगे हम, और मिल्क पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहिए तो मिक्सर में भी आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं, नहीं तो ये हाथ से भी हो जाता है आराम से। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये हो चुकी है। अब देखिए इसको हम आधा आधा पार्ट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और ये थोड़ी सी हम हल्दी लेंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा एक हल्का कलर आने के लिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने बना दिया है। अब इसकी हम छोटी छोटी सी गोलाकार में ले लेंगे। इसको हम इस तरीके से बना लेंगे। देखिए इसको भी हम ये कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से इसका शेप में हम बना लेंगे। आप चाहिए तो छोटा छोटा भी बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम बना लेंगे। देखिए थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर से इसे डस्ट कर लेंगे हम इस तरीके से, हल्का। अब चाहिए तो इस तरह से भून भी सकते हैं। हो गया है इसे। थोड़ा तेल डालेंगे। इसे हम हल्के, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, हल्के की थोड़ा सा ये पक जाए।
क्योंकि ये हो चुका है, इसे निकाल लेंगे। देखिए ठंडा हो चुका है, इसे हम लेंगे। इस तरीके से हम इसे बना लेंगे। और देखिए मेरे पास ये है, ये सेवई बोलते हैं इसे, ये हम डाल देंगे इसके अंदर। इसको अच्छे से हम कवर कर लेंगे। इस तरीके से देखिए ये तैयार हो चुका है। अब इसको हम सेलो फ्राई कर लेंगे हल्के। मैंने पहले से ही गरम कर लिया है, हल्के हाथ से इसको हम फ्राई कर लेंगे इस तरीके से, थोड़ा थोड़ा ये करके। इस तरीके से हम इसे फ्राई कर, देखिए ये हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेंगे। इनके रेडी हो चुका है। अब जो हमने ये छोटे छोटे एग्स बनाए थे वो हम इसमें डाल देंगे। देखिए इस तरीके से बनके पूरी तरीके से रेडी हो चुका। और आप चाहिए तो इसको टमेटो सॉस के साथ में भी खा सकते हैं, नहीं तो ग्रीन चटनी के साथ में भी खा सकते हैं। ये खाने में काफ़ी टेस्टी होता है और ये काफ़ी अलग हट के बच्चे लोगों को जो पसंद आएंगे, तो आप इस तरीके से भी आप बना के दे सकते हैं बच्चों को। तो गाइस मेरा ये वीडियो बनाने का तरीका आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। पिछली वीडियो को लाइक करने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।